दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। विद्यालय को खोलने को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। विद्यालय को एक बार फिर से ओपन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी सामने आई है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या बयान है, वहीं केंद्र सरकार ने भी विद्यालय को खोलने को लेकर एक नई जानकारी दे दी है। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। विद्यालय कब से खुल रहा है, अगर आप 12वीं के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये जानकारी सिर्फ आपके लिए है। अंत तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, स्कूल ओपन होने को लेकर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा स्कूल खोलने पर आक्रामक रूप से काम करना होगा। उनके इस बयान को आपको समझना चाहिए, आप तभी जान पाएंगे कि विद्यालय को क्यों ओपन करना चाहिए। देश भर में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में जुलाई से स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर तैयारी की जा रही है। स्कूल खोलने को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमें स्कूल खोलने पर आक्रामक रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि इसने युवा पीढ़ी को ज्ञान के मामले में वास्तव में प्रभावित किया है। विशेष रूप से गरीब तबके के लोग जो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नहीं जा सकते, वे पीड़ित हैं। फिजिकल स्कूल उपयोगी होते हैं क्योंकि व्यक्तियों को बढ़ने में मदद करते हैं। स्कूल में छात्रों और अन्य गतिविधियों को लेकर बातचीत होती है जो बच्चों के चरित्र के विकास के मामले में बहुत मदद करती है। हमें उन रणनीतियों पर प्रयास करना चाहिए और काम करना चाहिए जिनसे स्कूल खुल सके। इसके साथ ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर तक बच्चों को टीका भी लगाया जाएगा। यानी अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 12वीं तक के छात्र हैं, तो आपको बता दें आपको सितंबर अक्टूबर में भी टीका लगने का एक बड़ा बयान रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक के द्वारा सामने आया है। एएनआई ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। आप उन्होंने ट्वीट किया हुआ है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। इसके साथ ही टीकाकरण के बाद खुलेंगे स्कूल, ऐसा कहा है केंद्र सरकार ने। उधर सरकार ने भी एक बड़ा बयान दिया, केंद्र सरकार का बयान आया। सरकार ने कहा कि अप्रैल महीने से बंद स्कूल एक बार फिर से खुलेंगे जब आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को टीका लगाया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि स्कूलों को शिक्षकों और बच्चों को एक साथ बैठने की आवश्यकता होती है, यह वायरस को फैलने का मौका देता है, यानी इससे वायरस ज्यादा बढ़ जाता है। हम स्कूल कॉलेज तभी फिर से खोल सकते हैं जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो। तो ऐसे बच्चे जो विद्यालय जाना चाहते हैं, तो उन्हें ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार का इस बारे में बयान आया है कि जब तक की वैक्सीन नहीं लग जाती आधे ज्यादा आबादी को, तब तक स्कूल खोलना अभी पॉसिबल नहीं माना जा रहा, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर वी के पॉल। इसके साथ ही डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि दैनिक नए मामलों में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण स्कूल को फिर से खोलने के खिलाफ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अभी मामलों में गिरावट प्रतिबंधों के कारण है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जो कोरोना में गिरावट आई है, इसका कारण सिर्फ प्रतिबंध है। जैसे ही प्रतिबंध हटता है, वैसे ही कोरोना फिर से बढ़ने लगता है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज और शिक्षा के अन्य संस्थानों को फिर से खोलने पर हमेशा सक्रिय रूप से विचार किया जाएगा, लेकिन समग्र रूप से सतर्क रहना होगा। वही तेलंगाना ने कहा है कि स्कूल कॉलेज फिर से खोलेंगे, यानी तेलंगाना में जुलाई से विद्यालय खुलने लगेगा। दिल्ली और केरल जैसे अन्य लोगों ने कहा है कि वे अभी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने आई जहां पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि विद्यालय को जल्द से जल्द खोलना चाहिए, आक्रामक रूप अपनाना चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा मिल सके। और वहीं पर नीति आयोग के स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल कहते हैं कि विद्यालय तभी खुलेगा जब आधे से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लग जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करना है दोस्तों, आपको कमेंट करना है, बताना है कि क्या विद्यालय को खोल देना चाहिए 12वीं तक, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, 12वीं तक के विद्यालय को क्या खोलना चाहिए या फिर नहीं। आप अपना कमेंट जरूर दें। आप उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से आते हैं, किस जिले से आते हैं, किस गांव से आते हैं, इसकी भी जानकारी दें जिससे आपके क्षेत्र की जानकारी आपको दी जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।